अपने मन की बात कही। शंकर जी आखिर कब तक अपना तेज को छिपा सकते हैं? शंकर भगवान नंद भवन के द्वार पे आकर भिक्षा मांगने लगे। शिव जी के पास एक दासी आई है, कहने लगी, महाराज यशोदा जी ने भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करो और लाला को आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शंकर कहते हैं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं। दासी ने यशोदा से जाकर कह दिया कि साधु, हे यशोदा, ये साधु महाराज कोई भिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं, वो तो केवल लाला का दर्शन करने के लिए कह रहे हैं कि मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करा दो। संत की परीक्षा वेशभूषा से नहीं होती है, जाति पाति से नहीं होती है, आंखों की मनोवृत्ति से हो जाती है। यशोदा जी एक खिड़की से झांक करके कह रही है, महाराज आपको भिक्षा कुछ कम है तो मैं और भिक्षा दे दूं, लेकिन मैं अपने लाला को तो दर्शन नहीं कराऊंगी। महाराज आपके गले के अंदर में इतने मोटे मोटे शरफ पहन रखे हैं, ऐसा आपका भेष देख करके मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला इतना छोटा है वो तो डरेगा ही ना। महाराज यशोदा जी ने मना कर दिया कि मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। एक दासी को और ज्यादा भिक्षा देकर के भगवान शंकर के पास भेजी जाओ कि उस महात्मा को भिक्षा दे दो। शंकर भगवान कहते हैं, ना चाहिए तेरे माणिक मोती, ना चाहिए धन मायारी, तेरे लाल का दर्श करा दे जोगी द्वारे आयारी, तेरे लाल का दर्श करा दे जोगी द्वारे आयारी। आज दासी बार बार आग्रह कर रही है और भगवान शंकर मना कर रहे हैं कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। अब देखो तीन हट प्रसिद्ध है ना, इधर माँ यशोदा कहती है कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, शंकर भगवान कहते हैं कि हम दर्शन किए बगैर जाएंगे नहीं। तो शंकर भगवान ने नंद भवन के द्वार पर अपना त्रिशूल लगा दिया है, आसन लगा लिया कि मैया तुम कब तक दर्शन नहीं कराओगे। आज भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, समाधि लगा ली। और इधर बाल कृष्ण भगवान नंद भवन में रुदन करने लगे हैं, भगवान शंकर अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं। और इधर बालकृष्ण भगवान ने देखा कि मैया मेरा दर्शन करने के लिए शंकर जी आए हैं और माँ रोक रही है। तो इधर भगवान बालकृष्ण मचल पड़े हैं, रोने लगे हैं। इस भजन के माध्यम से आप इस लीला का दर्शन करें, भगवान शंकर का भी दिव्य झांकी के रूप में आप दर्शन करें, माँ यशोदा किस प्रकार से अपने लाला का दर्शन करवाती है। बोले शंकर भगवान की जय। आज को खुल की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकार देखूंगा यशोदा लाला। खड़ा
पग में घुंघरू चमचम वाले कहते हैं गुर्दी वाला सही भंगे हाथी और डमरू के छूने पग में घुंघरू चमचम वाले और डमरू के वाला आज वो उनकी गलियों में घूमे जो भी रखवाला अलखियन खड़ा पुकार देखूंगा यह गंगे बिराजे मस्तक में मन में मोरे अंग भू गिरमाए जोगी बाग मस्तक में सोए जटाजूट में गंगे बिराजे भक्तन के मन को मोरे मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे गले में सर को की माला कल की अंजन खड़ा पुकारे आज तो कुल की गलियों में घूम जोड़ी मतवाला अलखी रंजन खड़ा पुकारे देखूंगा अपने सुध को दिखा दी मैया जो कि मन में धानी और लाख हटाओ नहीं हटूंगा लाख हटाओ नहीं हटूंगा देखूंगा चंद्र का लाला अलखिनी रंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यह लाला अलखिनी रंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यह लाला आज वो उनकी गलियों और चले सुमिरन की शाम नाम को बोल शंकर भगवान की चले सुमरते शाम नाम को जैला सीता सी वाला आज को कुल
शंकर जी जैसे समाधि के अंदर तल्लीन हुए, भगवान बालकृष्ण नंद भवन में रुदन करने लगे। जैसे ही दासी ने कहा कि अरे मैया, एक बार में जोगी बैठा है, उसने हमारे लाला को कोई नजर लगा दी होगी, उसने कोई मंत्र दिया होगा, इसी कारण से अपना लाला आज रोने से बंद नहीं हो रहा। दासी जाकर के शंकर भगवान से पूछने लगी, महाराज हमारे लाला को नजर हुई है, आपको नजर उतारना आता है क्या? शंकर जी ने आंखें खोली और कहा कि अरे हम तो बड़े बड़ों की नजर उतार देते हैं, किसको नजर हुई है? हमारे लाला को नजर हो गई है, वो रोना से बंद नहीं हो रहा। शंकर जी को नंद भवन के अंदर लेकर के आई है दासी। यशोदा की गोद में बाल कृष्ण भगवान रुदन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान शंकर नंद भवन के अंदर आए, मां यशोदा रड़ने लगी, इस साधु के गले में कितने सांप हैं, कोई सांप नीचे उतर करके हमारे पास नहीं आ जाए। भगवान शंकर कहने लगे कि अरे मैया, तुम्हारे लाला को नजर है तो मेरी गोद में लाला को दे दो। यशोदा कहती है नहीं नहीं मैया, यह मेरे मंत्र ऐसे काम नहीं करेंगे, अगर तेरे लाला को मेरी गोद में दे तो ही मेरे मंत्र काम करते हैं। अब यशोदा डरती डरती भगवान शंकर की गोद में बालकृष्ण भगवान को दे दिया। शंकर भगवान लाला को लेकर के जैसे ही भगवान अपनी गोद में लेकर के जीव और शिव आदि भगवान कृष्ण और शंकर जी दोनों ने नेत्र से मिलन शुरू किया। लाला हंसने लगा तो दासी कहने लगी कि साधु ऐसा वैसा तो नहीं है, देखो हमारे पास तो लाला कितना रो रहा था और इस साधु के पास जाते से ही हमारा लाला हंसने लगा है। इतने में एक सांप थोड़ा इधर उधर होने लगा, मैया यशोदा का हृदय कांपने लगा, अरे साधु बाबा मेरे लाला को ये सांप काट जाएगा ना। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे मैया तू घबरा मत, ये तुम्हारा लाला बड़ा होकर के हजारों सांपों के फन के ऊपर में नाचने वाला होगा। अच्छा महाराज, आप इसका थोड़े हंसने का देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा रहेगा। भगवान शंकर ने लाला की हस्तरेखा को देखकर कहने लगे, अरे मैया इसकी हस्तरेखा तो ऐसा बता रही है कि हजारों रानियों का पति होगा, हजारों रानियां होगी। बोले हाँ, यशोदा बड़ी खुश हुई है, मेरा लाला हजारों रानियों का पति होगा। ऐसे भगवान शंकर जी अपने इष्ट देव के दर्शन करके तीन परिक्रमा करते हैं और अपने कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। श्री हरि भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर अपने इष्ट देव का दर्शन किया है। शंकर जी तांडव नृत्य करते करते अपने आनंद की सीमा को रोक नहीं सके और नृत्य करते वापस कैलाश की ओर जाने लगे हैं। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान की दिव्य चरित्र लीला का आनंद परीक्षित महाराज श्रवण करते हैं और दोपहर के समय में ब्रजमंडल की गोपिकाएं
मैया यशोदा के पास आकर बैठ जाती है। अरे मैया, तुम्हारे इस वृद्धावस्था में लाला का जन्म हुआ है, हम तो तेरे लाला को खिलाएंगे नहीं, हम कोई राग गा देंगे, उस राग में तेरे पीछे पीछे हम भी गाते रहेंगे। ऐसे बातें कर ही रही थी तो भगवान बालकृष्ण पलने में सोते सोते एक करवट ले ली। आज लाला 3 महीने के हो गए। तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं कहने लगी कि मैया, आज लाला 3 वर्ष 3 महीने का हुआ है और सोते सोते करवट ले ली है, तो इस उपलक्ष्य में तुम पूरे ब्रजमंडल को भोजन करा दे। आज मैया यशोदा ने कहा कि अरे गोपिकाओं, मेरा लाला 3 महीने का करवट ली है और तुम्हें भोजन के लिए बोल रही हो, इससे और खुशी का क्या ठिकाना। तुम कहती हो तो कल इस पूरे ब्रजमंडल को भोजन के लिए चूल का निमंत्रण दे दो। आप चूल को निमंत्रण समझते हैं कि नहीं? समझते हो ना? चूल का निमंत्रण का मतलब है कि आपके घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, आज परिवार के सब लोग हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आएंगे, उसे कहते हैं चूल का निमंत्रण। तो आज ब्रजमंडल में जितने गोपिकाएं ग्वाल वाल सब थे, आज नंद बाबा के यहाँ यशोदा के यहाँ पर भोजन करने के लिए आने वाले हैं। महाराज, प्रातः काल मैया यशोदा जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन बनाने में लगी है। अनेक दास दासियां भोजन बना रही है। मैया यशोदा उन दास दासियों को जैसे 1 किलो घी लगता है, तो मां यशोदा कहती है कि 1 किलो नहीं, 1.25 किलो घी लगाओ। कई माताओं की क्या आदत होती है, 1 किलो लगता है तो उसमें 1.25 किलो लगाती है, बोले नहीं पाओ तो बचा लो। और मां यशोदा क्या करती है, 1 की जगह 1.25 देती है। इसलिए यशोदा का यश चारों तरफ फैला हुआ है। यशोदा कहती है कि आजकल सब लोगों के दांत दर्द करने लगे, इसलिए घी ज्यादा डालो, सूखा सूखा रहेगा तो दांतों से खाया नहीं जाएगा। ऐसे मां यशोदा अपने दास दासियों से कहती है कि 1.25 मात्रा में प्रसाद बनाओ। मैया यशोदा के भवन में सब प्रवासियों के लिए भोजन बन रहा है। देखो अपने भारतीयों का, समस्त भारतवासियों का कितना सौभाग्य का देश है। अपने जितने भी बड़े बड़े वक्ता होते हैं देश विदेशों में भगवान की कथा करने के लिए जाते हैं, यहाँ आने के बाद उनका एक ही बात कहते हैं कि जो भारत में कथा वार्ता होती है वैसी देश विदेश में नहीं होती। अपने भारत राष्ट्र का जन्म लेने वाला नागरिक बहुत ही भाग्यवान है। बोले क्यों भाग्यवान है, क्योंकि इस भारत राष्ट्र में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। इसलिए भारत का हर नागरिक बड़ा भाग्यशाली है। देवता लोग इसकी गणना करते हैं कि अरे भारत राष्ट्र में जन्म लेने वाले प्राणी का कोई बहुत बड़ा भाग्य का उदय हुआ है जो इस भारत राष्ट्र में उसको जन्म मिला है। देवता लोग भी भारत राष्ट्र में जन्म लेने के लिए बहुत आशा रखते हैं। भारत के प्राणी को धन्यवाद का पात्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भगवान की भक्ति प्रचुर मात्रा में मिलती है। अपने मंदिरों में देखो
ब्रह्मोत्सव मनाते हैं ना, साल में एक बार ब्रह्मोत्सव होता है हर मंदिर में। जब ब्रह्मोत्सव होता है तो भगवान ये कहते हैं कि कई कई लोग मंदिर नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं ना, किसी की आदत होती है, किसी की नहीं होती है, वो घर में भगवान की पूजा करता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई मंदिर नहीं आता है मेरे, तो मैं खुद 12 महीनों में एक दिन बाहर निकलता हूं और सड़क पर से गुजरता हूं, रास्ते से गुजरता हूं, तो जो मंदिर नहीं आते हैं उनको मैं दर्शन दे देता हूं कि मेरा दर्शन कर लो। और जब मंदिरों का ब्रह्मोत्सव होता है तो बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, बहुत मोटे मोटे पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। तो एक संत ने पूछ लिया कि भगवान की शोभा यात्रा निकले तो उसमें ये पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं, बड़े बड़े आतिशबाजी के खेल क्यों करे जाते हैं, ये फालतू खर्चा होता है। तो जो मंदिर के स्वामी हैं वो कहते हैं कि आतिशबाजी इसलिए करी जाती है कि पटाखे छोड़ने से जिसको कभी भगवान का मंदिर जाने का मन नहीं होता हो, आतिशबाजी करने में तो कोई भी आ सकता है ना, इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं होता, इसलिए मार्ग में आतिशबाजी की जाती है, पीछे पीछे भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है कि जिससे पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार मुझको देख ले, मेरा दर्शन कर ले। भगवान के दर्शन मात्र से बड़े पापी व्यक्ति भी अपना पाप छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भारत राष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस भारत राष्ट्र में जन्मे प्राणियों की प्रशंसा करते हुए देवता कहते हैं कि ये भारत राष्ट्र के प्राणियों ने कौन सा पुण्य किया है जो इनको भारत राष्ट्र में जन्म मिला। अब जैसा ही कैसा हमें जन्म मिला, परिवार में कोई गरीब है कोई अमीर है, उसकी चिंता नहीं करना, हमें जन्म मिल करके भगवान की कथा वार्ता सुनने का अवसर मिल जाता है, भगवान का दर्शन करने का अवसर हमें मिल जाता है, इससे बढ़ करके जीवन में कोई धन नहीं होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज वृंदावन के ब्रजमंडल के सब लोग कहां आ रहे हैं, देखो भाई थोड़ा खता में ध्यान रखना, अपनी खता कहां चल रही थी सबको मालूम है या मैं ही बता दूं? मालूम है, ठीक है, कथा चल रही है नंद बाबा और यशोदा ब्रजमंडल के सब लोगों की भोजन की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर का 11-12 बजने लगे, सब ब्रजवासी भोजन करने के लिए प्रसाद पाने के लिए नंद भवन में आने वाले हैं। तो मैया यशोदा ने देखा कि मेरा लाला को नींद आ गई है, अब वृंदावन के ब्रजवासी सब लोग भोजन करने आएंगे, मैं उनको परोसने का काम करूंगी, इसलिए मेरा लाला अभी नींद में है। तो मैया यशोदा ने नंद भवन के बाहर में एक बहुत बड़ी छकड़ा है, उस छकड़े के नीचे में बाल कृष्ण भगवान का पलना को टका दिया और उसमें लाला को सुला दिया। अब नंद भवन में सब ब्रजवासी भोजन करने में लगे हैं, सब प्रसाद पा रहे हैं। इधर थोड़े समय के अंदर में भगवान ने अपनी आंखें खोली तो देख रहे हैं कि मैं तो बाहर नंद भवन के बाहर में हूं, एक गाड़ी के नीचे में मेरा पलना लटक रहा है, इस पलने में मैं सो रहा हूं और सब ब्रजवासी प्रसाद पा रहे हैं, मेरे ही करवट लेने के उपलक्ष्य में सबको प्रसाद बटाया जा रहा है और मेरे को नंद भवन में बाहर निकाल दिया।
नंद भवन से बाहर बैठा हूं, तो ये भगवान को ठीक नहीं लगा। देखो, अपने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसको तो अपन संभाल के रखते हैं ना, लेकिन आजकल कई भाई लोग ऐसा करते हैं, जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो खुद तो पीताम्बर पहनते हैं 5,000 का, और कहते हैं कि अब भगवान के लिए आप वस्त्र चढ़ाओ। तो भगवान का वस्त्र चढ़ाने का नंबर आता है तो एक मोली का टुकड़ा तोड़ेंगे और कहते हैं कि वस्त्रोर उपवस्त्रम समर्पयामि। अब खुद तो 5,000 का पीतांबर पहन करके बैठा है और भगवान के लिए एक मोली का तार चढ़ा देता है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरे को इतनी संपत्ति दी है और तू मेरे लिए एक मोली का धागा चढ़ा रहा है, तो अगले जन्म में ऐसी लंगोट पहना दूंगा तेरे को। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान का वस्त्र चढ़ाने का नंबर आए तो मोली का धागा मत चढ़ाए करो, भगवान के लिए पोशाक लाया करो। महाराज, भगवान को ये बात ठीक नहीं लगी, आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगे तो जो सकट था नंद बाबा के बाहर में, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, छकड़ा है, उसके ऊपर में दूध दही के मटके पड़े हैं और उस सकट के ऊपर में कंस महाराज का भेजा हुआ एक शक्तासुर नाम का दैत्य आकर के बैठ गया, क्योंकि पूतना तो मर गई थी। कंस महाराज को सूचना पहुंची तो एक सकट नाम का दैत्य आया है, वो आकर के नंद भवन के बाहर में जहां भगवान कृष्ण पलने में सोए हैं उस गाड़ी के ऊपर में आकर के भगवान सो रहे हैं, उस गाड़ी में ऊपर में सकट नाम का दैत्य आकर के भगवान की ओर देखने लगा। भगवान ने देखा कि मामा जी ने पहले तो मेरे लिए एक गुड़िया भेजी थी पूतना, उसको तो मैंने तोड़ताड़ करके फेंक दिया, और अब दूसरा खिलौना भेजा है सकट, इसके साथ भी थोड़ा खेले। तो भगवान अपने पलने में सोए सोए ऊपर में जो शक्तासुर नाम का दैत्य बैठा है, तो भगवान ने अपना एक चरण उठाया और गाड़ी की इतनी जोरदार पैर की मारी, गाड़ी धड़ाम से उल्टी गिर पड़ी और जो सकट नाम का दैत्य था वो भी उस गाड़ी के नीचे दब करके गोविंदाय नमो नमः, इतनी तेज आवाज आई तो माँ यशोदा दौड़ करके बाहर आई है। लाला तो पलने में सो रहा है और जो गाड़ा था वो गाड़ा एकदम से उल्टा पड़ा है, उसके नीचे में एक बहुत विशाल राक्षस सकट नाम का दैत्य मरा हुआ पड़ा है। मैया यशोदा ने लाला को तुरंत अपने गोद में उठा लिया। नंद बाबा कहने लगे, ये कैसे हुआ, कैसे गिरा? तो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि अरे बाबा क्या बताएं, ये एक बहुत बड़ा राक्षस इस गाड़ी के ऊपर आकर के बैठा था और तुम्हारे लाले ने एक चरण उठाया और जोरदार इस गाड़ी के ऊपर दे मारी तो गाड़ा तो उल्टा गिर पड़ा और राक्षस भी मर गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने आज सौगंध खा ली कि देख यशोदा, या तो लाला तेरी गोद में रहेगा या फिर लाला मेरी गोद में रहेगा, लाला को कभी भी अकेला में नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पूतना आई थी, आज ये शक्तासुर आ गया, इसलिए इस गोकुल में राक्षस लोगों का प्रहार ज्यादा हो रहा है, तो अपन लाला को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसे मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, अपन लाला को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। महाराज, मैया यशोदा की गोद में भगवान सोते सोते मैया यशोदा लाला से बातें करती है तो परीक्षित पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, ये नंद बाबा ने और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया
जो समस्त चराचर ब्रह्म इस संसार को बनाने वाला है वो आज इतना छोटा बन करके इस मां यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। इस यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया? सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, ये यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में वसु थे और मां यशोदा पूर्व जन्म के अंदर में द्रोण नाम के वसु दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ऐसा भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी बाल लीला का आनंद लेना है। तो आज यही द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की इनकी पत्नी यशोदा आज गोकुल में नंद और यशोदा बन करके आए हैं और भगवान इनको अपनी बाल लीला का आनंद देने के लिए इस लीला का अवतरित होकर के आनंद दे रहे हैं। तो अपन भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आंगन में भी आज एक बार आप इस दिव्य स्वरूप का हमें आनंद दो। तो आप सब लोग मिलकर के भगवान को पुकारें, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ संसार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, सा संसार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है,
कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती है अशुभन धार, नित बहती है अशुभन धार, हरि आ जाओ एक बार, बहती है अश्रुनि धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हो हरि वो जय हो, जब याद तुम्हारी आती है, 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 तन मन की सुध विश्राती है, तन मन की सुध विश्राती है, रह के मुझे तन मन धन सो सब बार, तन मन धन दो सब बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु, छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। श्री हरि भगवान की पूतना और शक्तासुर का प्रभु ने उद्धार किया है। कंस के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपने जो सकट नाम के दैत्य को भेजा था वो तो नंद के लाला ने मार गिराया है। कितृणाव्रतो जीव आर्य आर्यवती तृणाम्रत है। कंस ने एक दूसरी योजना बनाई है,
तृणावृत का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव मुनि कि एक दिन माँ यशोदा लाला को अपनी गोद में बिठा करके दुलार कर रही है, लाड कर रही है। उस समय तृणावर्त मारने के लिए प्रभु को नंद भवन के पास आया है। भगवान ने देखा कि जब तक मैं अपनी माता की गोद में रहूंगा तब तक ये राक्षस लोग इनके पास आ नहीं सकते, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा परम वैष्णव है। वैष्णव लोगों के पास में कभी भी अविद्या आ नहीं सकती। तो आज प्रभु ने देखा कि मैं जब तक माता की गोद में रहूंगा तब तक मैं ये तृणावर्त जो देते हैं वो मेरे पास आ नहीं सकता। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। यशोदा जी को गोद में भार लगने लगा, भार को सहन नहीं कर सकी तो मैया यशोदा ने कन्हैया को जमीन पर बिठा दिया। घर के काम में लग गई है। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर के आया है और भगवान कृष्ण का हरण करके आकाश मार्ग में उड़ा ले गया। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, उन्होंने तृणावर्त को पकड़ा है। थोड़ी देर तो आकाश मार्ग में प्रभु तृणावर्त के साथ में युद्ध किया है। फिर भगवान ने तृणावर्त के कंठों को इतना तेजी से दबाया, तृणावर्त धड़ाम से नंद भवन के सामने नीलवर्ण की शिला के ऊपर जाकर के धड़ाम से गिर पड़ा। तृणाव्रतम जीव आर्यवती सतृणाव्रतम च है। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में आया कि मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी मन में आते ही मन चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख होती है तब तृणावर्त रजोगुण के रूप में अपने मन में आ जाता है। यशोदा की आंखों में इतनी तेज हवा चली तो आंखें धूल मिल जाती है। जब सांसारिक सौंदर्य देखने में आंखें निहारने लगे कि कितना स्वरूप सुंदर है तो समझो कि अपने आंखों में तृणावर्त आया है। संसार के स्वरूप को देख करके आंखें कहने लगे कि कितना सुंदर है तो समझ लो कि आंखों में तृणावर्त आया है। भगवान के मंदिर जाओ, भगवान की छवि का दर्शन करके भगवान की प्रशंसा करो कि भगवान का कितना मनोहारणी दिव्य स्वरूप है तो समझो कि आंखों में सत्व गुण आया है। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, घुटने के बल चलने लगे हैं। प्रभु गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला की समस्त गोएं कन्हैया को पहचानने लगी है। कई महान ऋषि गायों का अवतार लेकर के गोकुल में आ बसे हैं। एक छोटा सा बछड़ा, वह भी छोटा, कन्हैया भी छोटा। भगवान उस छोटे बछड़े को अपना मित्र बना लिए हैं कि ये मेरा मित्र है। वह बछड़ा हम्मा हम्मा करके नंद भवन के आंगन में आ जाता है। तो भगवान अपने तुतलाती भाषा में मैया के पास दौड़ते हुए आते हैं, कहते मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग नहीं होते हैं। गाय भी आनंद वेश में बछड़े को भूल करके कन्हैया को चाटने लग जाती है। यशोदा जी को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा करने के फलस्वरूप इन गायों के आशीर्वाद से मुझे इस बुढ़ापे में वृद्धावस्था में मेरे को लाला की प्राप्ति हुई है।
जो गाय की सेवा करेगा उसे अवश्य ही सतपात्र पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्हैया तो उन गायों की और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता है। वह गायों की पूंछ पकड़ करके खड़ा हो जा करने की कोशिश करने लगा। मैया यशोदा कहती, अरे कन्हैया, अब मेरा कन्हैया जैसे जैसे बड़ा होने लगा शरारती होने लगा है। अरे लाला, ये गैया तुझे मार देगी ना। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया, वत्स पुंछल विलंबनाय नमः। एक बार यशोदा माँ लाला को स्तनपान करा रही है, भगवान का सुंदर मुख निहार रही है। माता का प्रेम देख करके कन्हैया जोर जोर से दुग्धपान करने लगे। बालक यदि दूध ज्यादा पी जाए तो माँ चिंता करने लगती है कि मेरे लाला को पेट में गड़बड़ ना हो जाए, मेरे लाला बीमार ना हो जाए, मेरे लाडला को कुछ बीमारी ना आ जाए। इसलिए माँ ने सोचा कि आज लाला दुग्धपान ज्यादा कर रहा है। मैया को चिंता होने लगी तो भगवान कहते हैं कि मैया, ये दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड दुग्धपान कर रहा है तेरा। भगवान जिस माँ का स्तनपान करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति हो जाती है। तो माँ यशोदा से कहते हैं, मैया मैं अकेला दूध नहीं पान कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति हो रही है, क्योंकि मेरे मुख के अंदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, मैं तेरे दूध का पान कर रहा हूं। भगवान कन्हैया ने आज जंभाई ली और जंभाई ली तो भगवान ने अपना मुख खोला है, और जैसे ही मुख खोला यशोदा को समग्र पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। भगवान कहते हैं कि मैया, तू कहती कि मेरे को अकेले को दूध पिला रही है, देख मेरे मुख के अंदर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है कि नहीं तुझे। समग्र ब्रह्मांड को मैया यशोदा दर्शन कर रही है। जैसे ही लाला ने जंभाई ली तो लाला के मुख में कभी नदियां घूम रही है, कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कभी समुद्र लहला रहे हैं, पूरा समग्र ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। तो माँ यशोदा ने देखा, मेरे आंखों में कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, मेरे लाला के मुख में ये क्या क्या दिख रहा है। भगवान ने देखा कि मेरी माँ मेरे को भगवान ना समझ ले, इसलिए मैया को वापिस वह योग माया से अपने मुख में दिखाई हुई ब्रह्मांड की सब बातें भुला देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई, उन्होंने भगवान से कहा कि सुदामा के भाग्य में तो दरिद्रता लिखी गई है, आप उनके संपत्ति क्यों दे रहे हैं, उनके भाग्य में तो संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है, आपने इतना ऐश्वर्य क्यों दे रहे हो, ये तो मर्यादा भंग हो रही है, सभी प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना चाहिए ना। भगवान ने कहा कि यमराज से कहा कि वेदोक्त कर्म या कर्म मर्यादा का तोड़ना मैं नहीं चाहता, जो मुझे भोजन कराता वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है, सुदामा भगवान के लिए एक तंदुल मुट्ठी चावल लेकर के गया था और भगवान ने जैसे ही तंदुल अपने मुख में धारण किया तो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण हो गया। इसलिए यमराज से कहते हैं कि यमराज, सुदामा मेरे लिए एक मुट्ठी चावल लाया था, पूरे ब्रह्मांड को खिला दिया, इसलिए जो भगवान के प्रति कुछ द्रव्य लेकर के जाता है वो केवल भगवान के लिए पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है। ऐसे भगवान की दिव्य लीला, त्रिणावर्त की लीला
सुखदेव मुनि के मुखारविंद से राजा परीक्षित ने श्रवण की है। एक दिन वसुदेव जी मथुरा के गर्गाचार्य स्वामी से कहने लगे कि गर्गाचार्य जी, हमारे दो लाला हैं गोकुल में, उन दो लालाओं का आप नामकरण संस्कार करके आ जाओ। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद बाबा, हम गोकुल में जाएंगे तो सही, लेकिन कंस को पता लग जाएगा तो हमारी खबर ले लेगा कि तुम गोकुल क्यों गए थे। वसुदेव जी बार बार आग्रह करने लगे तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हम सायंकाल के समय में जाएंगे, प्रातःकाल जल्दी उठ करके आपके दोनों लालाओं का नामकरण करके आ जाएंगे। शास्त्र में 16 संस्कार का आयोजन किया गया है। आजकल प्राय सब संस्कार भूल गए हैं, बस केवल दो ही संस्कार, एक विवाह संस्कार और अंतिम अग्नि संस्कार। दो ही संस्कार व्यक्तियों को याद रहने लगे। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है। बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है तो जात कर्म का संस्कार किया जाता है, मधु प्रशान का संस्कार किया जाता है। गर्गाचार्य जी आज नामकरण के लिए गोकुल आ रहे हैं। जैसे ही गोकुल के अंदर में पदार्पण किया तो छोटे छोटे लोग ग्वाल बाल दौड़ करके नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आज मथुरा के बहुत बड़े ज्योतिषी जी, बहुत बड़े विद्वान अपने छोटे गांव में आए हैं। नंद बाबा को पता चला तो सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर के कहने लगे कि इतने बड़े विद्वान हमारे छोटे गांव में आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो नंद बाबा सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर के गर्गाचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी का स्वागत करने के लिए जैसे ही गांव से बाहर तक पहुंचे, गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद बाबा तुम क्यों आए हो? तो नंद बाबा कहने लगे, तुम जैसे विद्वान ज्ञानी जन हम छोटे गांव में आकर के आप पदार्पण हुआ है, आप जैसे विद्वानों का स्वागत नहीं करेंगे तो किसका स्वागत करेंगे? गर्गाचार्य का स्वागत किया है। नंद भवन के अंदर लेकर के गर्गाचार्य जी को गए हैं। गर्गाचार्य जी नंद भवन में विराजमान हुए हैं तो ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा, रात्रि के अंदर में गुरु जी कोई सत्संग रखे, कोई कीर्तन का कार्यक्रम रखे तो हमें भी बुला लेना, हम गांव के अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन सत्संग में आकर बैठ जाएंगे, कुछ न कुछ तो हमारा उसमें अच्छा ही होगा ना। ऐसे नंद बाबा सब ब्रजवासियों से कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, रात्रि में गुरुजी जो भी सत्संग का कार्यक्रम रखेंगे तो मैं तुम सबको अवश्य बुलाऊंगा। गुरुजी ने स्नान आदि निवृत्त होकर के पूछा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हमारे सब ब्रजवासियों की इच्छा की थोड़ी देर सत्संग हो जाए। गुरुजी ने कहा ठीक है, सब ब्रजवासियों को कह दो सत्संग करेंगे। देखो किसी के यहाँ पर कोई सत्संग का कार्यक्रम हो और आपको थोड़ा निमंत्रण दे दे कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं, आपको भी उसमें सम्मिलित होना है, आपके मन में प्रसन्नता हो तो इसे समझना कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में है। और उस समय ऐसा लगे कि कौन जाएगा, रात को 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे, ऐसे प्रमाद आने लगे तो समझो कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति
की कमी आ गई है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। आज गुरुदेव ने सत्संग रखा, सब ब्रजवासी दौड़ करके नंद भवन में आकर के बैठे हैं और भगवान का दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरुदेव ने प्रवचन किया, फिर सब मिलकर के कीर्तन करने लगे हैं। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर सुंदर कुंडल विराजे मधुर नयन है विशाला। सुंदर कुंडल मधुर विशाला गल सोहे भेजंती माला। कुंडल मधुर विशाला गल सोहे भेजंती माला। कुंडल गल सोहे भेजंती माला। या चमकी बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। या चमकी बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा। बाल बाल कान कलिमल का
तब कलि मन हारी राधे श्याम श्याम राधे श्याम किया है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में सत्संग करके गए हैं। रात्रि में नंद बाबा ने पूछा कि गुरुदेव, आप इस छोटे से गांव में कोई कारण से आए हैं या ऐसे हम लोगों से मिलने के लिए आ गए? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि वसुदेव जी ने हमें ये कहा कि नंद बाबा के दो बालक हैं, उन दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए मैं आया हूं। अच्छा तो गुरुदेव, आप पहले नहीं बताए, अभी सब ब्रजवासी आए थे, सबको मैं बोल देता, हमारे लाला का तो बड़े धूमधाम से नामकरण होना चाहिए ना। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद बाबा, कंस को कभी पता लग गया तो हमारी खबर ले लेगा, क्योंकि हम तो मथुरा के रहने वाले हैं, इसलिए तुम किसी को कहो नहीं तो हम नामकरण करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, हम पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन नामकरण तो आपके मुखारविंद से ही होना चाहिए ना। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि नंद बाबा, प्रातः 4 बजे तुम गौशाला में अपने लालाओं को लेकर के चले जाना। प्रातः काल 4 बजे नंद बाबा गौशाला में जाकर के गोबर का चोका लगाया है, मांगलिक वस्तु लेकर के गए हैं, हवन की संविधा लेकर के गए हैं, पूजन का सामान लेकर के गए हैं। गर्गाचार्य जी ने जाकर के गणपति जी का पूजन किया है, मंगलाचरण किया है और कहा कि नंद बाबा, अब अपने दोनों लालाओं को लेकर के तुम आ जाओ। तो नंद बाबा के दो लाला यशोदा जी के बाल कृष्ण भगवान और माँ रोहिणी जी के बलराम जी, दोनों माताएं अपने लाला को लेकर के गौशाला में आ रही है। जैसे गौशाला के अंदर में प्रवेश किया है तो गर्गाचार्य जी हवन करते करते दोनों माताओं की ओर देखने लगे। उन माताओं ने क्या किया, यशोदा और रोहिणी आपस में बातें करने लगी कि लोग तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं। तो रोहिणी जी कहती हैं, हम पढ़ी लिखी तो है नहीं, इनकी परीक्षा करें तो कैसे करें। तो यशोदा जी कहती कि मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लेती हूं। अगर गुरु जी त्रिकालज्ञ होंगे तो पता लग जाएगा कि दोनों माताओं ने लाला की अदला बदली की है। तो महाराज, माँ यशोदा जी ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा जी को दे दिया, दोनों ने अदला बदली कर ली और कहने लगे कि अगर गुरुजी को पता लग गया तो समझना कि गुरुजी वास्तव में त्रिकालज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं।
और नहीं पता लगा तो बोले ऐसे खड़िया पलटन होंगे। महाराज ऐसे दोनों माताओं ने लालाओं को लेकर के चली, गर्गाचार्य दूर से देख लिए कि माताओं ने अदला बदली कर ली। सामने आकर के गुरुदेव के पास बैठे हैं, हवन हुआ है, गणपति जी का पूजन हुआ है। अब नंद बाबा कहने लगे कि गुरुदेव अब आप अपने मुखारविंद से हमारे लालाओं का नामकरण करो। महाराज गुरुदेव कहने लगे कि नंद बाबा पहले कौन से लाला का नामकरण करूं? बोले पहले यशोदा की गोद में बैठे इसको कर दो। यशोदा की गोद में कौन बैठे हैं? बलराम जी बैठे हैं। तो यशोदा की गोद में बैठे उनका नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो समबाल विनाशती। अरे बाबा ये जो यशोदा की गोद में बैठा है ये यशोदा का बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। अब यशोदा तो रोहिणी की तरफ देखने लगी और रोहिणी यशोदा की, बोले खड़िया पलटन तो नहीं है, बाबा जी कुछ जानते तो हैं। तो नंद बाबा कहने लगे तुमने अपने लालाओं की अदला बदली क्यों की? बोले हम गुरु जी की परीक्षा कर रहे थे कि गुरु जी कितने पढ़े लिखे हैं। बोले हो गई परीक्षा? बोले हाँ हो गई। तो बोले अब तो अपने अपने लालाओं को ले लो। तो रोहिणी जी ने अपने लाला को लिया और यशोदा जी ने अपने लाला को लिया। अब गुरुजी नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र। बाबा ये रोहिणी जी की गोद में ये बालक हैं, ये बहुत बलशाली होंगे इसलिए इनका एक नाम बल है और ये दुनिया के लोगों को बहुत सुविधा देंगे, आराम देंगे, इसलिए एक नाम इनका राम है। और बाबा ये गर्भ अवस्था के अंदर में पहले तो किसी दूसरी माता के गर्भ में थे और भगवान की योग माया से किसी दूसरी माता की गर्भ में आ गए, इसलिए इनका तीसरा नाम संकर्षण है। और बाबा ये बालक बड़ा होगा तो अपने हाथ में हल साथ में रखेगा, इसलिए चौथा नाम गुरुजी ने हलधर भी रख दिया। बल, राम, संकर्षण और हलधर। अब तो यशोदा की गोद में जो लाला है उसका नामकरण करने लगे। अब जैसे ही यशोदा की गोद में जो लाला सो रहे थे गुरुजी ने लाला की ओर देखा तो भगवान गर्गाचार्य जी की तरफ देख कर कहने लगे गुरुजी निकालो कितना नाम निकालते हो। अब जैसे ही गुरुजी ने यशोदा की गोद में बैठे लाला को देखा तो पहचान गए ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। हरि थार नाम 6000 है प्रभु तुम्हारे कितने नाम निकालूं? पृथ्वी के ऊपर में कण गिनना संभव है लेकिन आपके नामों की गिनना संभव नहीं है। तो भगवान अपने आंखों की इशारे में कहने लगे कि गुरुदेव आप नामकरण कर रहे हैं ना, तो मेरी मां और मेरे पिता से ये मत कह देना कि ये साक्षात नारायण है। आंखों के इशारों में भगवान ने गुरुदेव को कह दिया। तो गुरुदेव कहने लगे कि प्रभु आप नाराज क्यों होते हो? ब्राह्मणों को बात बदलने में कितना समय लगेगा? और उसी क्षण गर्गाचार्य जी कहने लगे नारायण समगुणई। पहले क्या कह रहे थे कि ये साक्षात नारायण है,
और अब क्या कहने लगे, भगवान कह रहे हैं कि ये मत कहना कि मैं नारायण हूं, क्योंकि मेरे माता पिता को पता चल जाएगा कि ये भगवान है तो मेरे को छोटी सी एक अलमारी में बिठा देंगे, सुबह चार चिरौंजी दाना का भोग लगा देंगे और दिन भर फिर चींटियां उस पर हमला करती रहेगी, मैं बैठा रहूंगा तो भगवान, मेरे को ऐसा भगवान नहीं बनना। तो गर्गाचार्य ने कहा कि चिंता मत करो, गर्गाचार्य जी उसी समय कहते हैं नारायण समगुण ही। अरे नंद बाबा ये नारायण तो नहीं है लेकिन नारायण के समान इसमें गुण है, ये तुम्हारा नारायण के समान गुण वाला इस बालक का मैं कितना नाम निकालूं। ये द्वापर में त्रेता में सतयुग में हर युग में अवतार लेता है, अभी कल काल में द्वापर के अंदर में अवतार लिया है तो ये थोड़ा श्याम वर्ण का है इसलिए प्रथम नाम में इसका कृष्ण निकालता हूं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान ने चंद्र क्यों लगाया, क्योंकि रामावतार के अंदर भगवान जब राम बन करके आए थे तो सूर्य हटा नहीं था, 12 बजे भगवान ने जन्म लिया, चंद्रमा रोने लगा तो भगवान कहने लगे कि तुम रो मत, आपकी बार में द्वापर में रात्रि में अर्धरात्रि को आऊंगा तो मेरे नाम के साथ में तेरा नाम जोड़ लूंगा। तो आज प्रभु चंद्रमा को भी अपने नाम में जोड़ लेते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और नंद बाबा इसके वैसे तो मैं नाम गिनना संभव नहीं है लेकिन तुम कहते हो तो मैं इसको लोग वासुदेव भी कहेंगे, देवकी नंदन के नाम से भी पुकारेंगे, नंदन नंदन के नाम से पुकारेंगे, यशोदा नंदन के नाम से पुकारेंगे। तो यशोदा बीच में कहने लगी कि गुरुदेव हमें तो ये बता दो कि हम किस नाम से इसको पुकारें, तो गुरुदेव ने कह दिया कि इसका नाम कृष्ण है। अब यशोदा को ये नाम लेने में थोड़ी कठिनाई होती, कृष्ण नाम बोला नहीं जाता, तो यशोदा उसको अपने लाला को कहने लगी कनुआ, यशोदा का प्रेम का नाम है कनुआ। कई कई व्यक्तियों के दो नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक बाहर का नाम, विद्यालय का नाम। तो मैया यशोदा ने प्रेम से अपने लाला को पुकारती थी अरे लाला कनुआ। आज गुरुजी ने दोनों लालाओं का नामकरण किया है, मैया यशोदा ने दोनों लालाओं को गुरुदेव के चरणों में वंदन कराया है और गुरुदेव से पूछने लगी गुरुदेव हमारे लालाओं की थोड़ी हस्तरेखा भी देख दो। तो मां मां के कहने पर गर्गाचार्य ने हस्तरेखा देख करके कहा कि मैया ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा। इतना कहा तो मैया के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। अपने दोनों लालाओं को गुरुदेव के चरणों में वंदन कराती है और कहती है गुरुजी देखो अब भोजन का समय हो गया, आप भोजन करके जाना।